नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ऑन यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने बात किया था अनुच्छेद 17 की अस्पृश्यता के अंत की। इस क्लास में हम उससे आगे बात करेंगे और बात करेंगे अनुच्छेद 18 की। ठीक है, हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या अनुच्छेद 18, क्या है उपाधि, क्या होता है उसका अंत, क्या होता है और उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हमें यही समझना। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उपाधि जो है वो एक प्रकार से आपने देखा होगा, जैसे ब्रिटिश टाइम में सर की उपाधि दी जाती थी, ड्यूक की उपाधि होती थी, बहुत सारी उपाधियाँ होती थी। कैसर हिंद होता था, मतलब गांधी जी को कैसर हिंद मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, इन लोगों ने उसे वापस किया। जब पंजाब में नरसंहार हुआ जनरल डायर की हुकूमत के द्वारा, तो बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी। और जब आप किसी लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में कोई उपाधि नहीं होती है, सब बराबर होते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि अनुच्छेद 15 में आपने पढ़ा कि हर नागरिक बराबर का है, कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है। ऐसे में यदि कोई किसी को उपाधि दे दिया जाए कि फला जो है ज़मींदार हैं या फला ये हैं फला वो हैं, तो उससे क्या होगा, अनइक्वलिटी पैदा होगी समाज में, एक रूपता नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारे भारतीय संविधान में व्यवस्था किया गया कि उपाधियों का अंत किया जाएगा। ठीक है, तो पहले विषय वस्तु की बात करते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि उसके साथ जो और चीज़ जुड़ी हुई वो क्या है। राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, यानी कि उपाधि प्रदान की जाएगी। जैसे आपने PhD किया है या आपको परमवीर चक्र मिला है, PhD अगर किया होगा तो शिक्षा से संबंधित होगा, विद्या से संबंधित होगा। यदि आपने सेना में कोई अच्छा काम किया तो आपको परमवीर चक्र मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सेना और विद्या संबंधी सम्मान को छोड़ करके बाकी कोई उपाधि आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, दूसरा आप पॉइंट देखते हैं, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अब ये नहीं कि आपने भारत में तो आपको उपाधि नहीं मिला, आप अमेरिका से कोई उपाधि ले आए, आप इंग्लैंड से कोई उपाधि ले आए, वो आपको नहीं करने की अनुमति है, आपको कोई उपाधि का धारण नहीं करना है। मूलतः उपाधि का जो मतलब होता है वो ये है कि उपाधियां आपके नाम के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे पहले होता था सर फलाने, सर ढिकाने। ठीक है, जो सर की उपाधि है उसके नाम के साथ चस्पा कर दी जाती थी, यानी कि उसकी एक पहचान बन जाती थी और उसे बाकियों से अलग करने की कोशिश करती थी। और ये जो सिस्टम अंग्रेजों ने अपनाया था, ये कहीं ना कहीं वो एक अलग प्रकार का वर्ग पैदा करना चाहते थे, एक अलग प्रकार की अनइक्वलिटी को पैदा करना चाहते थे। 1857 के विद्रोह के बाद में अंग्रेजों ने अपनी पूरी की पूरी रणनीति यही बनाई कि हमें सिर्फ बांटो और राज करो की नीति पर काम करना, यानी कि जितना हो सके समाज को बांटो। तो उन्होंने सबसे पहले मुस्लिमों को बांटना शुरू किया, उनके लिए अलग अलग टोल की मांग की। उसके बाद में जब देखा कि अंबेडकर मजबूत हो रहे हैं, तो दलित चेतना जो धीरे धीरे उपज रही थी उसको सपोर्ट करना प्रारंभ किया और दलितों के लिए अलग अलग टोल की मांग शुरू कर दी। तो 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें नरमपंथी और गरमपंथी दोनों आकर के मिले, वहाँ पर एक ही स्वीकारता कांग्रेस ने की और उसी की वजह से भारत में विभाजन नहीं हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ। अगर वहाँ वो ना हुआ होता तो शायद विभाजन ना होता। 1916 में ही विभाजन की नींव रखी जा चुकी थी, क्योंकि मुस्लिमों का जो अलग इलेक्ट्रोल है उसकी मांग को स्वीकार कर लिया गया था कांग्रेस के द्वारा। और उसके पीछे सिर्फ कारण एक था कि जो कांग्रेस के विभाजित नेता थे वो एक साथ आ जाए, जैसे बाल गंगाधर तिलक और जो लाला लाजपत राय, तो ये लोग गर्म पंथ के नेता थे। गर्म पंथी नेता दोनों एक साथ मिले और 1916 में वही हुआ, यानी कि अपना खेल अंग्रेज खेल ले गए। 1931-32 के आसपास वो फिर से ट्राई करते हैं कि दलितों को बांटा जाए, एक और समाज को खड़ा किया जाए जो अपने ही सरकार से लड़े, अपने ही लोगों से लड़े, अपने ही जनसमूह से लड़े। और उस जो वर्तमान में आप आरक्षण
और आरक्षण के कारण अगड़ी और पिछड़ी जातियों में जो लड़ाई है, इसकी बुनियाद दुनिया के बिना तलवार लिए सबसे क्रूर व्यक्ति रैमजे मैकडोनाल्ड का ही देन है। तो दुनिया में सबसे क्रूर व्यक्ति अगर किसी को मानता हूँ जो मानवता के हद तक खिलाफ था, वो केवल और केवल इंग्लिश जो हुकूमत के जो सिपे सलाहकार पूंजीपति थे, अंग्रेज जनता भी नहीं, जो अंग्रेज कुछ पूंजीपति थे उनके लिए काम करता था, उनका एक एजेंट था, और उसने दुनिया का बहुत नुकसान किया। वर्तमान में दुनिया में आपको बहुत सारी समस्या ऐसी दिखेंगी, इसके पीछे एक मात्र कारण है रैमजे मैकडोनाल्ड। तो उसने भारत में भी जो एक बीज बोया नफरत का अगड़ी और पिछड़ी जातियों में, वो आज तक हम उसका दंश झेल रहे हैं और हमारी राजनीति भी उसी में उलझ कर रही है। तो उसका बीज किसने बोया था? उसी ने बोया था। और ये अंग्रेज उपाधियां भी इसीलिए देते थे, पता चला कि शहर के दो आदमियों को सर बना दिया, सर की उपाधि दे दिया, अब वो ऐसे चौड़े होके चलने के, अब तो सर है, ठीक है। तो उससे होता क्या था कि एक अलग क्लास का निर्माण होता था। अब उपाधि जिसने दिया, यानी कि देने वाला क्या होता है? हमेशा सर्वोच्च होता है। दाता कौन है? एक है, यानी कि ईश्वर। और जब आपको कोई चीज़ देता, मान लीजिए मैंने आपको फ्री में कुछ दे दिया, तो आप कहते हैं बड़ी अच्छी बात, वाह क्या बात है, आपने हमारे लिए इतना कर दिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अंग्रेज भी इसी भाव के लिए काम करते थे। तो एक वर्ग था जो उनके लिए काम करने लगा, उनके मुताबिक काम करने लगा, उनके कामों को अप्रिशिएट करने लगा। तो उन्होंने क्या किया, भारतीय समाज में ही, भारतीय रंग में ही अंग्रेज पैदा करना शुरू कर दिया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के नेताओं ने ये भरपूर कोशिश किया कि उपाधियों का अंत भी होना चाहिए, कई सारे सुधारों के साथ उपाधियों का अंत होना चाहिए। तो उसके पीछे क्रोनोलॉजी है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। जैसे यदि कोई भारत में काम करता है और भारत का नागरिक नहीं है, भारत में कोई लाभ और विश्वास का पद धारण करता है, ऐसे में यदि उसे कोई बाहर से सम्मान मिलता है, कोई उपाधि मिलती है, तो उसको बिना राष्ट्रपति के संस्तुति के नहीं ले सकता है, उसको राष्ट्रपति से संस्तुति लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वह उसे ले सकता है। अगला पॉइंट देखेंगे, चौथा पॉइंट, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अब ये तो था मूल विषय वस्तु जो अनुच्छेद 18 में लिखा है, 1, 2, 3, 4। अब उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं। 1954 में भारत सरकार ने कुछ सम्मान प्रारंभ किए, जिनमें से एक मेडल और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, ये सम्मान चार वर्ग में बटे हुए हैं। एक है आपका भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। भारत रत्न कला साहित्य और विज्ञान क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट सेवाओं के लिए और सर्वोच्च कोटि की सेवा, लोक सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट लोक सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये सेवा गुणवत्ता की कोटि के अनुसार दिए जाते हैं। यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों को भी दिया जाता है, यानी कि जो पद्म पुरस्कार हैं वो समाज सेवा के लिए दिए जाते हैं, लोक सेवा के लिए दिए जाते हैं, और जिस क्वालिटी का उनका सेवा होता है उस हिसाब से उनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का सम्मान दिया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, जब पहले महान्यायवादी मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ की पुस्तक कॉमन लॉ इन इंडिया प्रकाशित हुई, तो उनके नाम के आगे पद्म विभूषण उपाधि के रूप में लगाया गया। यही एक समस्या है कि नाम के आगे आपको नहीं लगाना है। आगे आप देखेंगे बालाजी राघवन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्पष्ट किया कि जो हम उपाधि देते हैं, जैसे भारत रत्न किसी को दिया गया, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी की तो मृत्यु हो गई, ठीक है, जीवित व्यक्तियों में लता मंगेशकर इनको भारत रत्न दिया गया है, तो
वो अपने नाम के आगे उसको नहीं लगा सकते। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर वो नहीं लिख सकते हैं, या सचिन तेंदुलकर भारत रत्न नहीं लिख सकते हैं। हम उनके सम्मान में संबोधित करें, दैट इज गुड, लेकिन सचिन को ये इजाजत नहीं है कि अपने नाम के आगे भारत रत्न सचिन लिखे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आगे भी हम उस पर बात करेंगे। तो जो ये किताब प्रकाशित हुई, इसमें जो है महान्यायवादी के नाम के आगे अलंकरण दे दिया गया पद्म विभूषण के। बाद में इसको मोरारजी देसाई की सरकार में 1978-79 में इसको हटाया गया, सारे अलंकरण समाप्त कर दिए गए। ठीक है, बालाजी राघवन का केस क्या है इसको देखते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 18 में उन अभिजात उपाधियों को निषिद्ध किया गया है जो अनुवांशिक होती है। थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा बालाजी राघवन केस में कि जो उपाधियाँ हैं वो अनुवांशिक नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए सचिन को लेते हैं, सचिन को भारत रत्न मिला है इसलिए नहीं मिला कि उनके पिता कुछ थे या उनके दादाजी कुछ थे, उनको जो सम्मान मिला वो इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने खेल से इस देश में बहुत सारे लोगों को जो है गौरव के पल अनुभूत करवाए, या इसके अलावा समाज सेवाओं में उन्होंने बहुत सारे काम किए, तो उनको जो भारत रत्न मिला है वो उनके कर्मों की वजह से मिला है, उनके गुण की वजह से मिला है, ना कि उनके फादर के या उनके ग्रैंड फादर के वजह से उनको मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही मेंशन किया कि जब कोई उपाधि इस प्रकार दी जाती है जो उसके खुद के कर्म पर है तो ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला लाइन है इस केस में क्या कहा कि निषिद्ध किया गया है जो कि अनुवांशिक होती है, अर्थात उपाधि जन्म से मिल जाती है, यानी कि जन्म से मिली उपाधियों को हटाया जाता है जिसके लिए कोई कर्म नहीं करना पड़ता है। अनुच्छेद 18 के अनुसार भारत में नाम के आगे या पीछे कोई उपाधि नहीं लगाई जा सकती है। इस बात को भी बालाजी राघवन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया, भारत रत्न और पद्म अलंकरण पाने वालों के नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह उपाधि नहीं है और अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करती है। मेंस में कई बार ये सवाल पूछा गया है कि चूंकि भारत सरकार खुद भारत रत्न पद्म विभूषण पद्म श्री जैसे सम्मान प्रदान करती है तो क्या ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है, और अगर उल्लंघन नहीं है तो क्यों नहीं है, तो उसका जवाब बालाजी राघवन के केस में आपको मिल जाएगा। चूंकि वो अनुवांशिक नहीं है, वो अपने कर्म के द्वारा मिला है और वो नाम के साथ मेंशन नहीं किया जा सकता है, इसीलिए अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगली क्लास में हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 की, आपके जो है वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता की, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बहुत चर्चा का विषय जो है हमेशा बना रहता है, सवाल भी पूछ जाते हैं, तो अगली क्लास में हम उस पर ही चर्चा करेंगे। इस क्लास में इतना ही, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।